फ्रेंड्स, आज हमारे डियर बच्चियर पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल सब्जेक्ट में जाएंगे साक्षात्कार प्रमेय। साक्षात्कार प्रमेय में आज हमारी एंडिंग होती है, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया है कि साक्षात्कार होता क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इन सब बातों को समझते हुए इसमें कौन कौन से सुझाव है, आज हम जानेंगे साक्षात्कार प्रमेय के गुण के बारे में। साक्षात्कार प्रगति में कौन कौन से गुण, तो सबसे पहली बात, एक साक्षात्कार की सफलता के पीछे जो साक्षात्कार करता होता है उसके अंदर कुछ गुणों का होना आवश्यक है। अगर उसके अंदर बेहतरीन गुण है तो साक्षात्कार बहुत अच्छे से सफल होता है। तो इसी बात को हम समझेंगे, साक्षात्कार में कौन कौन से गुण होना चाहिए। सबसे पहले आकर्षक, इसके संदर्भ में गुड स्ट्रेंथ होने के कहा है, साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कार करता व्यक्तित्व पर निर्भर है। साक्षात्कार करता का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, जिससे वह साक्षात्कार देने वाले को प्रभावित कर सकते। ठीक है, तो ये परिभाषा दी है कुछ बैंक है, इसके संदर्भ में आकर्षक व्यक्तित्व के संदर्भ में इन्होंने कहा है साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कार के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जो साक्षात्कार लेने वाला है तो उसकी जो प्रेजेंटिटी है उस प्रेजेंटिटी पर ही इसकी सक्सेस निर्भर डिपेंड है। इसकी साक्षात्कार कैसे साक्षात्कार का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि जब हम जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर हम किसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर सामने वाला का पर्सनैलिटी आकर्षक है यानी कि थोड़ा सा मधुरभाषी सहयोग देने वाला, तो हम उनकी बात को बिना झिझक के उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन सामने वाला का व्यक्तित्व भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पर प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, तो हम हमारी बातों को खुल के नहीं रख पा रहे। इसलिए जब आकर्षक होगा तो साक्षात्कार प्रभावित करेगा और हम बिना किसी झिझक के हम अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी कि साक्षात्कार लेने वाला आराम से साक्षात्कार देने वाली की बातों को पा सकता है। अभी जो विशेषताएं वो है स्पष्ट वक्ता। अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखना, सामने वाले को सामने बातों को इस तरह से रखना कि वो अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी समझ में आए। अगर पहली नुमा घुमा फिरा के इस तरह से बातें रखेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है और इस सिचुएशन में जो इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे वो नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि बातों को स्पष्ट और सब एक तरह से आकर्षक रूप में रखने वाला जो कि बेहतरीन तौर पर सामने वाला समझ सके। अगला श्रोता है, सुनने वाला एक ऐसे श्रोता है, सुनने वाला कि जब वो इंटरव्यू ले रहा है और सामने वाला कुछ बातें कर रहा है तो वो
उत्तम यानी कि सही तरीके से उस बातों को सुने, समझे, उसको रेस्पेक्ट दे, उसको मान सम्मान दे। अगर वो कुछ ऐसा कह रहा है तो उस पर आक्रोश नहीं होना चाहिए, अपना हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को दबा रहे। एक बार उस बात को ढंग से सुनो और कुछ हो तो अपनी तरफ से उसको आराम से उसको समझाकर उस बात को करना चाहिए। तो अच्छी तरह से सुनने वाला व्यक्ति उत्तम होना चाहिए, उत्तम सोचने के लिए उत्तम होने चाहिए। अगला
साक्षात्कार फ्रेंड्स। थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है, इसके बाद आप फिर से पालन करना है और अच्छे से वैक्सीन।